आज हम बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम केक। इसके लिए हमें चाहिए 4 ब्रेड स्लाइसेस, इसके साइज मैंने काट दिए हैं, 1.5 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, 1/2 कप मैंगो प्यूरी। ये आम को मैंने मिक्सी में पीस दिया था पहले ही आम स्लाइसेस करने के लिए, और एक पैक वनीला आइसक्रीम का। हम इस तरीके से मैंगो के स्लाइसेस करेंगे, ना बहुत पतला करना है ना ही बहुत मोटा। अब जैसे हम ब्रेड के ऊपर बटर लगाते हैं, हमें आइसक्रीम पूरी ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करनी है। उसके ऊपर आम लगाएंगे, फिर दूसरे स्लाइस के ऊपर आइसक्रीम स्प्रेड करके रखेंगे आम के ऊपर। आइसक्रीम को हम दोनों साइड से स्प्रेड करेंगे। सेम यही प्रोसेस रिपीट होगा चारों ब्रेड्स के लिए। ब्रेड के चारों तरफ भी हम साइड्स में इस तरीके से आइसक्रीम स्प्रेड करेंगे। अब हम मैंगो आइसक्रीम केक को फ्रीजर में 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तब तक हम इसके ऊपर डालने के लिए मैंगो ग्लेज बनाएंगे। उसके लिए हम एक पैन में बिना गैस ऑन किए हुए मैंगो प्योरी लेंगे, उसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे और पिसी हुई चीनी डालेंगे। अब आप इसको अच्छे से मिक्स करिए ताकि कोई लम्स ना पड़े। उसके बाद गैस ऑन करके हम इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे। इसको कंटिन्यूसली स्टिर करना है आपको। केक ठंडा हो गया है, अब हम इसमें ग्लेज ऊपर से डालेंगे। ग्लेज अपने आप ही नीचे तक फैलेगा, आपको इसको ज़्यादा स्प्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऊपर से चेरी रख दिया है डेकोरेशन के लिए। ये हमारा मैंगो आइसक्रीम केक रेडी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।